जेजेपी की रैली हो रही है और अभी खिताब कर रहे हैं जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, हमारे विधायकगण अमरजीत डांडा जी, भाई रामकरण काला जी, पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारीगण, राजस्थान के हमारे पार्टी के मुख्य महासचिव भाई रामनिवास यादव जी, सम्मानित मंच, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप लोग लाखों की तादाद में, बड़ी संख्या में आज चौधरी देवीलाल जी के जन्मदिवस पर उन्हें अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। मैं आप सबका सीकर की इस पावन पवित्र धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मेरी भी ये कर्मस्थली रही है, आपका प्यार और आशीर्वाद मुझे भी दाता रामगढ़ से विधायक आप लोगों ने चुन करके भेजा, यहीं से मेरी राजनीति की शुरुआत हुई। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ साथियों ने बड़े विस्तार से सारी बातें आपके बीच में की है, मैं उन बातों को पुनः दोहरा करके आपका समय जाया नहीं करना चाहूंगा। प्रचार प्रसार का युग है, आप लोग रोजाना रेडियो, टेलीविजन, अखबार और दूसरे प्रचार साधनों के जरिए पढ़ते सुनते और देखते भी हो, और उनसे भी तेज चलने वाली चीज आजकल ये सोशल मीडिया है। ये मोबाइल फोन हर एक के हाथ में है, हर एक की जेब में है, जिससे पल पल की जानकारी हमसे भी पहले आप तक पहुंचती है। आप राजस्थान में मिशन 2023 शुरू हो गया है, नवंबर में आपके असेंबली के चुनाव होने जा रहे हैं, 15 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो जाएगी और चुनाव डिक्लेयर हो जाएंगे। तो जैसा अभी अजीज दुष्यंत आपके बीच में कह करके गए हैं कि आगामी 2 महीने का जो शेष समय हमारे पास है, उसमें जन जन के बीच में जाएं, पार्टी के नीति कार्यक्रम और प्रोग्राम को लोगों के बीच में लेकर के जाएं, और कांग्रेस की सरकार ने पिछले 5 वर्ष में जो बेकायदगियां राजस्थान में की है, उनसे लोगों को अवगत कराने का काम करें कि किस तरीके से कहीं खनन माफिया, कहीं पेपर लीक घोटाला, कहीं लाल डायरी का मामला, और कहीं और दूसरे इस तरह के आरोप राजस्थान की सरकार पर लगे हैं, जिनको आप लोगों ने स्वयं अपने सामने देखा है किस तरीके से आज नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नौकरियां बेची जा रही है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान के लोगों को भी वो सारी सुख सुविधाएं और साधन मिले, तो फिर आप लोगों से गुजारिश और विनती है कि असेंबली में जो भी उम्मीदवार जननायक जनता पार्टी आपके सामने भेजे, उन्हें भारी बहुमत से जीता करके भेजने का काम करें, ताकि राजस्थान प्रदेश के लोगों को भी, यहाँ के नौजवान को भी प्राइवेट सेक्टर में 75% रोजगार मिले, जिससे यहाँ के नौजवान का भविष्य उज्जवल हो सके। अगर आप चाहते हैं कि माताओं बहनों को पंचायती राज संस्थानों में 50% की भागीदारी मिले, तो फिर विधानसभा का ताला इस चाबी से खोलने का काम करें। अगर आप चाहते हैं कि किसान को आर्थिक आजादी मिले, उसकी भी 13 फसलें MSP प्राइस पे बिके, उसे भी भावांतर योजना का लाभ मिले, तो फिर इस राजस्थान की असेंबली का ताला इस चाबी से खोलने का काम करें।
अगर आप चाहते हैं कि ये गांव गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बने, गांव का विकास हो और आपका पैसा आपके गांव में आकर के लगे, किसान का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बने, तो फिर आपसे गुजारिश और विनती है कि असेंबली का ताला इस चाबी से खोलने का काम करें। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आगामी 2 महीने तक लगातार पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता अथक मेहनत करके, कड़ा परिश्रम करके पार्टी की नीतियों को लोगों के बीच में लेकर के जाएगा और कांग्रेस के काले कारनामे लोगों के सामने ला करके इनसे मुक्ति दिलवाने का काम करेगा। यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ था। आपका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।